रुड़की से शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की 8वीं पुण्यतिथि पर परिजनों और पुलिस कर्मियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित और उनकी शहादत को याद किया। गणेशपुर पुल पर निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति की ओर से शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शहीद की पत्नी रितु नेगी, बेटा धैर्य, एसएसपी डी सेंथिल अबुदई, कृष्णराज एस, एसपी देहात परमिंदर डोभाल, सीओ विवेक कुमार के अलावा पुलिस एवं तमाम अन्य अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने शहीद सुनीत नेगी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एसएसपी ने कहा कि सुनीत हमारी टीम के बहादुर जवान थे और उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। एसपी देहात परमिंदर डोभाल ने कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी ड्यूटी को फर्ज की तरह समझते हुए बदमाशों का सामना किया और अपनी जान गंवा दी। इस दौरान नटराज आर्ट ग्रुप के बाल कलाकारों ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की आजादी से संबंधित नाटिका प्रस्तुत की। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रस्तोगी ने कहा कि हम हर समय समिति सदैव शहीदों के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। कार्यक्रम में पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा, उदय सिंह पुंडी, विकास त्यागी, नरेश प्रिंस, संजय शर्मा, ऋतु कंडियाल, सुभाष नंबरदार, विजय कुमार, सलमान आदि मौजूद रहे। क्या आयोजन किया गया? आज जो है हमारा शहीद सुनीत नेगी का 8वीं पुण्यतिथि है, इसमें एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया और उसके बाद मंदिर में भंडारा का आयोजन है। हम सम्मिलित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनका जो त्याग है उसका उससे प्रेरणा स्रोत लेके जो है हम और आगे बेहतर करने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपका विशेष स्वागत है, मैं हूं आपका अपना अनूप सैनी। आज हम खड़े हैं गणेशपुर पुल के पास। हमारे साथ हैं निर्मल निर्धन विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष श्री राजेश एडवोकेट जी। नमस्कार सर, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सर, आज जैसे कि शहीद सुनीत नेगी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सुनीत नेगी उत्तराखंड पुलिस का जवान सिपाही था, बदमाशों के साथ आमने सामने के मुठभेड़ में शहीद हुआ है। युवाओं का एक आदर्श है। हर वर्ष निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति उनकी पुण्यतिथि पर यज्ञ पूजन का, श्रद्धांजलि का आयोजन करती है। इस वर्ष भंडारे का भी आयोजन किया है और मेरा रुड़की के, हरिद्वार जनपद के, पूरे प्रदेश के युवाओं से एक अनुरोध है कि वो इनसे कुछ सीखें। इनका आत्मबल बहुत ऊंचा था।